हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम योर इंग्लिश टीचर वंदना मैम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6, द लेजी पॉटर, आलसी कुम्हार। लॉन्ग एगो देयर वर टू फैमिलीज दैट लिव टुगेदर हैप्पी एज नेबर्स। दो परिवार थे जो साथ साथ रहते थे खुशी खुशी एज नेबर्स, मतलब पड़ोसियों की तरह। दो परिवार थे जो पड़ोसियों की तरह खुशी खुशी रहते थे साथ में। दियर यंग सन्स वर द बेस्ट फ्रेंड्स। उनके जो है बेटे बहुत ही अच्छे मित्र थे आपस में। एज द बॉयज ग्रिव अप ईच लर्न द प्रोफेशन ऑफ हिज फादर। एज द बॉयज ग्रिव अप, जब लड़के उनके बेटे जो है बड़े हुए, ईच लर्न द प्रोफेशन ऑफ हिज फादर, तो जो है मतलब अलग अलग प्रत्येक ने जो है क्या किया, अपने अपने पिता का व्यवसाय सीखा। उन्होंने जो है अपने अपने पिता के व्यवसाय को अपना लिया, उसे शुरू कर दिया। वंस बिकम अ वॉशरमैन वाइल द अदर बिकेम अ पॉटर। एक जो था उनमें से वो वॉशरमैन बना और एक जो था जो दूसरा था वो पॉटर बन गया, कुम्हार बन गया। द वॉशरमैन वर्कड वेरी हार्ड एंड अर्न वेल। जो वॉशरमैन था वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, एंड अर्न वेल, और अच्छे से कमाता था। वाइल द पॉटर वॉज अ लेजी फेलो, जिनमें से जो है जबकि दूसरी तरफ जो है जो पॉटर था वो बहुत ही आलसी था। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम गैम्बलिंग विद हिज फ्रेंड्स। उसमें से वो जो पॉटर था वो बहुत ही आलसी था और वो अपना सारा समय जो है गैम्बलिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ में स्पेंड कर देता था, मतलब सारा टाइम जो है गैम्बलिंग करने में बिता देता था। गैम्बलिंग मीन्स क्या होता है, जुआ खेलना। समटाइम्स इवन थ्रो आउट द नाइट, और कभी कभी तो वो पूरी पूरी रात जो है खेला करता था, इसी में अपना सारा टाइम स्पेंड कर देता था। द वॉशरमैन सोन बिकेम क्वाइट रिच वाइल द पॉटर रिमेन एज पुअर एज ही वॉज वेन ही फर्स्ट टुक ओवर हिज फादर्स ट्रेड। द वॉशरमैन सोन बिकेम क्वाइट रिच, जो वॉशरमैन था वो जल्दी ही जो है अमीर हो गया। वाइल द पॉटर रिमेन्ड एज पुअर एज ही वॉज वेन द फर्स्ट टुक ओवर हिज फादर्स ट्रेड, जबकि जो पॉटर था वो जो है वैसा ही रह गया जैसा कि जितना गरीब वो पहले था जब उसने अपने पिता का व्यवसाय शुरू किया था। लाइक मोस्ट लेजी पीपल द पॉटर वुड बीमोन हिज फेट एंड एनवी द गुड फॉर्चून ऑफ द वॉशर मैन। लाइक द मोस्ट लेजी पीपल, जैसे कि बहुत सारे जो है आलसी लोग होते हैं, द पॉटर वुड बीमोन हिज फेट एंड एनवी द गुड फॉर्चून ऑफ द वॉशर मैन। जो पॉटर था वो जो है अपने भाग्य को कोसता रहता था, कहता था कि मेरा भाग्य जो है ऐसा है, मेरा भाग्य वैसा है। एंड एनवी द गुड फॉर्चून ऑफ द वॉशरमैन, और जो है वॉशरमैन के जो है अच्छे भाग्य से वो ईर्ष्या करता था। उसके बाद देखिए, एज टाइम वेंट बाय द पॉटर्स जेलसी ऑफ हिज नेबर्स गुड फॉर्चून ग्रू सो इंटेंस दैट द नेग्लेक्टेड एवन द लिटिल वर्क ही वुड सेट आउट टू डू एवरी डे एंड दस ग्रू पुअरर एंड पुअरर। एज टाइम वेंट बाय, समय बीत, जैसे कि समय बीता, द पॉटर्स जेलसी ऑफ हिज नेबर्स गुड फॉर्चून ग्रू सो इंटेंस, तो पॉटर की जो ईर्ष्या थी अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य को लेकर वो और ज़्यादा बढ़ गई, और वो इतना बढ़ गई कि जो दैट ही निगलेक्टेड इवन द लिटिल वर्क ही वुड सेट आउट टू डू एवरी डे, कि वो जो है अपने प्रतिदिन का जो काम किया जाता था उसको भी थोड़ा सा भी वो काम नहीं करता था, सारा दिन बस उसकी जो है मतलब ईर्ष्या करने में अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर देता था, और वो अपने डेली के काम को भी जो है उसका थोड़ा सा भी पार्ट नहीं करता था, पूरा का पूरा काम जो है वो नेगलेक्ट कर देता था, और इस तरीके से वो और गरीब और गरीब से गरीब बनता चला गया, मतलब गरीब से और ज़्यादा गरीब होता चला गया। क्यों? क्योंकि वो अपने डेली का काम भी जो ज़रूरी था उसका भी थोड़ा सा भी काम नहीं करता था। एट लास्ट आ डे केम वेन ही कुडंट इवन बियर, एट लास्ट अंत में अ डे केम, एक दिन ऐसा आया वेन ही कुडंट इवन बियर द थॉट ऑफ द प्रॉस्परस वॉशरमैन एंड सो ही थॉट ऑफ एन इविल प्लान टू रियून द वॉशरमैन। फिर एक दिन ऐसा आया, मतलब उसने इतनी ज़्यादा उससे जो है ईर्ष्या कर ली कि एक दिन ऐसा आया कि उसके मन में एक विचार आया
thought of the prosperous washerman and so he thought of an evil plan to ruin the washerman. कि उसने जो है सोचा कि जो washerman है वो बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है, मतलब prosperous means क्या होता है, उन्नति करना. so he thought, उसने इसने सोचा कि जो है मैं उसको क्या करूँगा, बर्बाद कर दूँगा. उसने उससे जो है बर्बाद करने के लिए एक जो है evil plan किया, मतलब एक जो है बुरी सोच बना ली, एक बुरी योजना बना ली. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही हरीड टू द रॉयल पैलेस एंड सेट जस्ट आउटसाइड द पैलेस गेट्स वेयर मैनी अदर पीजेंट्स एंड स्किल्ड वर्कर्स वेटेड होपफुली फॉर सम वर्क ऑर्डर फ्रॉम द पैलेस. एज द रॉयल प्रोसेशन मेड इट्स वे पास्ट ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस टू द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, ही हरीड टू द रॉयल पैलेस, वो जो है जल्दी से रॉयल पैलेस चला गया. एंड सेट जस्ट आउटसाइड द पैलेस गेट्स, और वो जो है महल के दरवाजे पर बाहर जो है बैठ गया. वेयर मैनी अदर पेजेंट एंड स्किल वर्कर्स वेटेड होपफुली फॉर सम वर्क ऑर्डर फ्रॉम द पैलेस. जहाँ पर जो है दूसरे किसान और जो है कुशल श्रमिक इंतजार करते थे आशा से कि महल से कुछ ना कुछ उनके लिए काम आएगा. एज द रॉयल प्रोसेशन मेड इट्स वे पास, जैसे ही जो है राजा का जुलूस वहाँ से गुजरा, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस टू द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, तो जो उसके आगे एक आदमी खड़ा था उसने जो है तेज आवाज में उससे बोला, क्या बोला, वॉट अ सेम टू सी अवर माइटी किंग राइडिंग ऑन अ ब्लैक एलिफेंट वन ऑल दैट ही हैज टू डू इज टू गेट द मास्टर वॉशरमैन टू वॉश हिज एलिफेंट क्लीन एंड वाइट. वॉट अ सेम, कितने दुर्भाग्य की बात है टू सी अवर माइटी किंग राइडिंग ऑन अ ब्लैक एलिफेंट, कि हम जो है अपने राजा को जो है काले हाथी पर सवारी करते हुए देख रहे हैं. कितने शर्म की बात है कि हमारे जो राजा हैं वो काले हाथी पर जा रहे हैं. वन ऑल दैट ही हैज टू डू इज टू गेट द मास्टर वॉशरमैन टू वॉश हिज एलिफेंट क्लीन एंड वाइट. कह रहा तो उसने कहा कि कितने शर्म की बात है कि हमारे जो राजा हैं वो जो है काले हाथी पर बैठकर जा रहे हैं. वन ऑल दैट ही हैज टू डू, जबकि हम सबको क्या करना चाहिए कि जो है इसका टू गेट मास्टर वॉशरमैन, हमें जो है धोबी को बुलवा करके जो है इस एलिफेंट को जो है क्लीन करना चाहिए, मतलब धुलवाना चाहिए, और वो इसे क्या कर दे, पूरा वाइट कर दे. उसने कहा कि जो है हमारे राजा ब्लैक जो है एलिफेंट पे राइडिंग कर रहे हैं, तो हम एक काम करें, हम सबको एक काम करना चाहिए कि वॉशरमैन को बुलाना चाहिए जो है, और वो क्या करे, इस एलिफेंट को धुले और धुल कर क्या कर दे, वाइट बना दे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल. रिमेनिंग स्टोरी विल बी टॉट इन नेक्स्ट वीडियो. स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.